हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद ज्योति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। और अभी घर पर ही है बिकॉज लॉकडाउन है, और यहाँ दिल्ली में भी लॉकडाउन है, आप लोग समझ सकते हैं। बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मेरे आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा कि कैसा है यहाँ का मौसम, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। और फिलहाल मैं हाजिर हूँ एक हेल्पफुल सा वीडियो लेने लेके, जो कि है ग्रॉसरी हॉल, जो कि मैंने इस मंथ मंगवाया है। क्योंकि 4 मंथ से मैं घर पे थी, और उसके पहले जो मैंने ग्रॉसरी मंगाई थी उस समय सब फेस्टिवल चल रहे थे, तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करने का। तो ये मेरा दूसरा ग्रॉसरी हॉल है, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हूँ अच्छे से व्लॉग और वीडियो के साथ में। ये एंड नहीं है, ये मैं मतलब बोलने से बोलते आदत पड़ जाती है, तो ऐसा सा है कुछ, तो आदत पड़ जाती है, तो इसलिए। तो चलिए हम लोग फटाक से अपना ग्रॉसरी हॉल मतलब शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो एज यूजुअल आप लोग देखेंगे नहीं, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन था तो जो चीज़ मुझे मिली, जो मैं यूज़ करती थी वो मैं लेके आई हूँ। जिस ब्रांड का यूज़ करती थी उस ब्रांड का नहीं मिला तो भी वो लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि क्या क्या लेके आई हूँ। शायद मेरे पास यहाँ 2 बैग पड़े हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो मैं आप लोगों को जो जो पहले हम मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं शेयर करती जाऊंगी आप लोगों के साथ में। तो गाइस, सबसे पहले मेरे पास एक स्नैक्स का पैकेट हाथ में आया है, जो कि है ये हल्दीराम्स का चिली चटक लच्छा। तो ये इसके पापा लेके आए थे वहीं से। तो एक ये पैकेट है, ये ब्रंच में काम आ जाता है, या कभी कभी ग्रेवी वाली सब्जी में सेव के रूप में। इंदौरी लोग सेव ज़्यादा खाते हैं आप लोग तो समझते होंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इसलिए दाल में या सब्जी में डाल के खाने के लिए ये लेके आए हैं पंजाबी तड़का। देन इसके बाद आते हैं लड्डू के लिए, हम लोग लेके आए हैं सूप। तो मुझे हर वो जो मैं लेके आती हूँ नॉर का, वो मुझे नहीं मिला है। मुझे इस बार मिला है चिंग्स चाइनीज़ का टमाटो सूप, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 2 पैकेट मंगवाए हैं, क्योंकि लड्डू ही मतलब लड्डू के लिए ही बनाती हूँ मोस्टली मैं। तो ये 55 रुपये का है एक पैकेट, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ये 2 पैकेट है। देन इसके बाद से आते हैं दूसरे। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सूखे हुए मटर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी इसकी सब्जी या रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मुझे 70 रुपये इसका पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट डला हुआ है। और ये है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो है। तो ये मैं लेके आई थी, कभी कभी जैसे छोले नहीं खानी हो तो ये भी काम। तो गैस कुरियर वाला आ गया था, तो चलिए वीडियो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। मटर का पैकेट हो गया। देन इसके बाद मेरे हाथ में आता है ये पीनट्स का पैकेट, जो कि ख़त्म हो चुका है, इसको पापा को बहुत पसंद है, तो ये कभी कभी खाते रहते हैं, कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ स्नैक्स में। तो ये पीनट का पैकेट है, इसे हम अलग से लेके आए थे। तो ये है मसाला पीनट हल्दीराम्स का अगेन। तो ये हम अलग से लेके आए थे जब हम लोग यहाँ मतलब कल या परसों लेके आए थे। एंड इसके बाद अगेन ये वही वाला पीनट का पैकेट है जो हम लेके आए थे। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम पे, तो वो है मूंग दाल, जो कि मैं आधा किलो लेके आई हूँ और ये 80 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, आप देख सकते हैं। मूंग दाल है, मैं सारी दालें कभी कभी मिक्स करके बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने मूंग दाल एक पैकेट लिया है। और एक पैकेट चना दाल है सेम साइज़ का ही, आधा किलो का ही, जो मैंने कल यूज़ कर लिया, पैकेट खोल लिया था। देन इसके बाद आते हैं बिस्किट पे, तो ये है गुड्डे का बिस्किट लाई हूँ मैं, और इसके 2 पैकेट लाई थी, एक मैंने ओपन कर लिया है और एक ये है, क्योंकि लड्डू मांग रही थी तो इसलिए लाई थी, तो उसको लड्डू जेब कर रही थी तो उसके लिए खोल दिया था, तो एक ये पैकेट है। देन इसके बाद आते हैं हम चना दाल, देखा मैंने कहा था ना चना दाल लाई थी मैं, तो ये चना दाल है और ये मुझे पड़ी है, इसका प्राइस तो इस पर नहीं दिख रहा है, प्राइस है 500 ग्राम की, ये ऑर्गेनिक, और ये मुझे पड़ा है इस पर प्राइस 85 रुपीज़ का, यहाँ पे दिया हुआ है 85 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है चना दाल। मैं जो जो चीज़ें मैं जिस ब्रांड की लेती हूँ वो मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है और चीज़ें मिल रही हैं वही बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मैंने ये लिया। देन इसके बाद मैंने लिए हैं 2 किलो चावल, सेम मैं जो ब्रांड का लेती हूँ वो नहीं मिला तो मैंने दूसरे ब्रांड का ही लिया। तो ये एक केजी है, एक केजी मैंने यूज़ कर लिया, मतलब यूज़ कर रही हूँ, खोल लिया मैंने एक पैकेट। तो 1 केजी है बासमती राइस, 125 रुपये का पड़ा है मुझे एक पैकेट, तो
मान लीजिए कि कितने रुपए का पड़ा होगा, आप लोग काउंट कर लीजिए आपके हिसाब से। देन इसके बाद एक मैं मैगी का पैकेट लाई हूँ लिट्टी का, ये मैं कभी कभार अगर ऐसी ही वीकेंड पे या कभी ऐसे ही बना लेती हूँ, तो ये मैगी का लिट्टी का पैकेट है क्योंकि ये हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एक ये बड़ा पैकेट लेके आई हूँ और इसका प्राइस है 68 रुपीज़। देन इसके बाद लाई हूँ जीरा जो कि है 50 रुपये का और ये है 100 ग्राम, तो ये तो हमेशा यूज में आता है। देन एक पीनट का पैकेट लाई हूँ जो कि अगेन जिस ब्रांड का मैं लेती हूँ उस ब्रांड का मुझे नहीं मिला, तो ये 120 रुपीज़ का है 500 ग्राम, तो ये वो लेके आई हूँ। देन इसके बाद लाई हूँ ये पेस्ट कोलगेट मैक्स फ्रेश का छोटा वाला। इसके बाद ये क्या है, ये किचन किंग मसाला है गाइज, मुझे जो मैं यूज़ करती हूँ कैच या फिर एवरेस्ट का वो मुझे मिला नहीं, तो मैं लोकल ब्रांड का ही ले आई हूँ और ये 70 रुपीज़ का है, मैंने यहीं मतलब एक सुपर मार्केट है वहीं से लिया है, तो ये वहीं का ब्रांड है आप देख सकते हैं, क्योंकि और अदर ब्रांड की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी उन लोग के पास में, तो उन लोग के पास जो ब्रांड थे वहाँ पे बस जाओ आप अपनी बकेट लो और जैसे शॉपिंग मॉल जैसा सिस्टम है तो वहाँ से ही लेना पड़ा क्योंकि बिकॉज और कोई दुकानें खुली नहीं थी। फिर एक मैचेस का पैकेट लिया हुआ है मैंने। देन इसके बाद एक बर्तन बार मेरे पास ऑलरेडी बड़ा वाला था, तो इस बार मैंने ये पैकेट लिया है एक्सो का, क्योंकि मैं पतंजलि का लेती हूँ तो पतंजलि का उनके पास था नहीं, तो ये 10-10 रुपये का एक एक वो है और तीन के साथ एक फ्री है, तो इसलिए पूरा बंच एक मैंने ले लिया। देन इसके बाद लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, और ये पता नहीं कैसे आ गया है 60 रुपीज़ का है गरम मसाला, मैंने उनसे खड़ा गरम मसाला बोला था क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने पिसा हुआ दे दिया, बट कोई नहीं ये भी यूज हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं, हाँ इसके बाद आते हैं इस पे जो कि लड्डू का सबसे फेवरेट है, उसको मतलब 2-4 दिन बाद पॉपकॉर्न चाहिए ही, तो इसके मैंने 4 पैकेट लिए थे, तो 2 पैकेट मैंने बना दिए हैं और 2 पैकेट और हैं, हाफ हाफ करके बनाती हूँ मैं, पूरा नहीं बनाती क्योंकि सिर्फ उसी को खाना होता है और कभी कभार उसके पापा खा लेते हैं, तो एक ही लिया। और इसके बाद फिर लिया है मैंने शुगर, इसका एक पैकेट मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि बहुत दिन मुझे मतलब मुझे 10-12 दिन हो गए सामान लाए, और इसको मैंने पहले तो 5 दिन के लिए मैंने इसको क्वारंटाइन किया था, देन इसके बाद सैनिटाइज करके ऐसे छोड़ दिया था धूप में से लाके, फिर इसके बाद से यूज़ करना शुरू किया था, तो मैंने कल से यूज़ करना शुरू किया है और आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये शुगर लिया है मैंने कैनिस का, और ये वहीं का ब्रांड है आई थिंक, हाँ ये वहीं का ब्रांड है, और जो कि मैं शुगर वही खुली वाली यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे मिला नहीं तो फिर मुझे यही लेना पड़ा, और ये पड़ा मुझे 70 रुपये केजी, तो 2 पैकेट लिए हैं मैंने इसके। सो ये है एंड है यस अगेन पॉपकॉर्न का पैकेट, 2 पैकेट लिए मुझे। अब आते हैं सेकेंडली ये वाले पे, इस पे का आधी चीज आई थिंक मैंने निकाल ली है, तो सबसे पहले हाथ में आया पोहा, तो ये लिया है मैंने पोहा 1/2 किलो, क्योंकि नाश्ते में हमेशा पोहा प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से ये मुझे 50 रुपीज़ केजी पड़ा है, तो ये मैंने पोहा लिया हुआ है। और एक तुअर दाल थी जो कि इसी ब्रांड की थी 500 ग्राम, तो वो मैंने लिए, वो मैंने यूज़ कर ली, इस वजह से मैंने उसको डब्बे में रख दिया है, तो ये लिया हुआ है मैंने। और वो अरहर की दाल मैंने यूज़ कर ली है, और ये इसी ब्रांड की है क्योंकि जो ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ टाटा संपन्न का, वो मुझे मिला नहीं था तो मैंने ये ले लिया है। एंड इसके बाद आते हैं, एक मैंने डेटॉल का लिया हुआ है रिफिल पैक, और जो कि हम आजकल बहुत मस्ट है। देन इसके बाद लिया हुआ है मैंने गुड नाइट का कॉइल मतलब लिक्विड, इसको लगाने के लिए मच्छरों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर हो जाते हैं कभी कभी। देन इसके बाद एक लिया एयरविक, इसके 2 पैकेट लिए थे तो एक मैंने लगा दिया है ऑलरेडी, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ठीक है तो लगा दिया था। देन इसके बाद लिया है मैंने सोप, डेटॉल के 2 सोप लिए हैं, यही हम लोग यूज़ करते हैं तो डेटॉल के 2 सोप लिए थे। देन इसके बाद लिया है मैंने बॉडी लोशन, ये बॉडी लोशन है वैसलीन का, आप देख सकते हैं बॉडी मॉइस्चराइजेशन के लिए, तो यही मैं यूज़ करती हूँ तो यही लिया मैंने क्योंकि गर्मी बहुत है। देन इसके बाद मैंने लिए हैं ऑयल, और ये ऑयल मेरे जो हैं वो सफोला गोल्ड के,
सो ये सफोला गोल्ड के, क्योंकि मैं हमेशा फॉर्च्यून का सोयाबीन तेल यूज़ करती हूँ, बट इस बार उनके पास था ही नहीं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये लिया हुआ है मैंने, 3 पैकेट लिए हुए थे जिसमें कि 2 हैं और एक मैंने यूज़ कर लिया है, और एक खड़ा गरम मसाले का पैकेट था छोटा सा तो वो लिया है, एक हींग का पैकेट था उसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक सर्फ का पैकेट था जो मैंने लिया है रिन सर्फ, तो उसका 2 पैकेट मैंने लिया है, 2 पैकेट मुझे मंथ चल जाता है पर मंथ। एंड एक मैंने लिया था लाइजॉल, एंड एक हार्पिक लिया था वो लिया था, वो भी मैंने यूज़ कर मतलब बाथरूम वगैरह धोने के लिए मैंने बाथरूम में रख दिया है, तो अब मैं निकालने वाली नहीं हूँ और आप लोग समझ जाएगा। सो मतलब समझ जाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बोलते हैं, लेके आ सकती हूँ मैं, बट क्या होता है ना कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाती हूँ, बाहर जाके लेके आऊँगी क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रखा है, तो इसलिए मैं कभी ऐसी ब्लॉगिंग में कभी आ जाएगा सामने तो आप लोग देख लेना। मैं इतना मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर रही हूँ या कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ जस्ट कि मैंने रख दिया है, तो फिर आलस आता है यार लाने में, समझ सकते हो। एंड इसके बाद और मैं लाई थी क्या, गरम मसाला लाई थी, ओट्स लाई थी लड्डू के लिए, लड्डू सुबह नाश्ते में ओट्स खाती है, मैं भी ओट्स खाती हूँ, तो मैं एक मसाला ओट्स लेके आई थी, बट सफोला का मुझे मिला नहीं था मसाला ओट्स, तो मैं डॉक्टर ओटकर का लेके आई थी वेज मसाला ओट्स, तो उसको मैंने बनाया हुआ है तो वो भी रखा हुआ है, और एक मैं लेके आई, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ कर ली हैं, और एक मैं लेके आई थी एनर्जी ड्रिंक लेके आई थी, टैंग का मैंगो का एनर्जी ड्रिंक मैं लेके आती हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहीं दिखा देती हूँ, बोलने में बहुत टाइम जा रहा है। सो उसके बाद मैंने बोला ना बताने से अच्छा आप लोग को दिखाई दूँ, सो ये मैं इसके लिए लेके आई थी लड्डू के लिए बॉर्नविटा, जिसको मैंने इस डब्बे में रख दिया, आप लोग को दिख रहा होगा रैपर, तो छोटा सा बॉर्नविटा लाई थी क्योंकि अब उसने बॉटल से दूध पीना छोड़ दिया है, ग्लास से पीने लग गए, तो इस वजह से मैंने बॉर्नविटा ला के ट्राई किया कि शायद वो उससे पीने लग जाए, तो हाँ उसने पीना स्टार्ट कर दिया है। देन मैंने कहा था ना मैं खड़ा गरम मसाला लाई हूँ, तो ये खड़ा गरम मसाला है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, कभी काढ़ी में दालचीनी वगैरह इसमें है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसी से, तो ये आप देख सकते हैं, और ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का, तो ये है। देन इसके बाद सर्फ के 2 पैकेट जैसा कि बोला था, ये न्यू पड़ा हुआ है, एक मैंने यूज़ कर लिया है, और मैं लाई थी ये छोले, तो इसे मैंने खोल के डब्बे में भर दिए क्योंकि परसों मैंने बनाए थे, अगर छोले की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। एंड इसके बाद मैंने बोला था मैं टैंग लेके आई हूँ, सो ये टैंग है मैंगो फ्लेवर का, यस फोकस, सो ये टैंग लेके आई थी मैं, मैंगो फ्लेवर का, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है गाइस, मुझे बहुत पसंद है टैंग, तो मैं और लड्डू से पीते हैं, और इसमें एक बारी में 5 ग्लास बन सकता है, तो काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इसको पिछली बार भी लेके आई थी, 135 रुपीज़ इसका प्राइस है और काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसे लेके आई थी और मैं इसे यूज़ भी कर चुकी हूँ। देन इसके बाद मैं लेके आई थी रेड लेबल चाय की पत्ती, जो कि चाय मतलब मेरी फेवरेट चाय है, तो ये मैं नेचुरल के लिए यूज़ करती हूँ, तो फाइनली यही ब्रांड मुझे मिल गया, तो मैं लेके आ गई, मैं बहुत हैप्पी हो गई थी इसी के लेके आने के लिए। और इसके बाद स्नैक्स में मैं लेके आई थी अपने लिए जो मेरी फेवरेट है वो ये है कश्मीरी मिक्सचर, जो कि है हल्दीराम्स का, तो ये स्नैक्स के लिए कोई आए जाए तो उसके लिए मैंने मंगा के रखी हुई है, और कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ, सो ये लेके आई थी मैं। सो बस इतना सा था, सो गाइस बस इतना सा था मेरा सामान, मैं आप लोग को दिखा दूँ कि पूरा फैल चुका है, मैंने निकाल दिया है सब कुछ आप लोग को दिखाने के लिए, अब इसको वापस से समेटना भी है, सो आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है एक वीडियो बनाने में, कितना स्ट्रगल होता है एक वीडियो बनाने में, पहले लेके आओ फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और अभी मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी तो उसका भी पसारा पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो ये देखिए बेड पे, और ये सब लड्डू के काम है, तो अभी मुझे ये सब भी समेटना है, और अभी बच चुके हैं 3, सो ये वीडियो पता नहीं कब लाइव जाएगा, बट जब भी जाएगा तब तक मेरा काम सॉर्ट आउट हो चुका होगा, मे बी क्या, यस हो ही जाएगा। सो चलिए आई होप आप लोग को वाला वीडियो अच्छा लगा हो, पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि पंखा बंद है, क्योंकि आप लोग को आवाज़ नहीं आती कभी कभी, और बाहर बहुत बुरा मौसम हो रखा है, बारिश का हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, पूरा मौसम अंधेरा वाला हो रहा है, इसलिए मैं लाइट जला के वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग को वाला वीडियो पसंद आएगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगी, और अगर कुछ रिकमेंडेशन हो, कुछ आप लोग को कुछ और देखना हो तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ
शेयर करूंगी। आई होप आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सो साथ में रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो एंड व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, खुद का ख्याल रखिए बहुत सारा, क्योंकि आजकल बहुत जरूरत है। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय गाइज, बाय, लव यू ऑल।